हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर सुबह सुबह आप लोगों के सामने एक सिंपल सी योगा लेके आई हूँ, जिसको आपको एक ही जगह करना है और इससे आपको बॉडी भी स्ट्रेच होगा और आपके शरीर का जितना ही मोटापा है बहुत जल्दी इससे खत्म होगा, लेकिन आपको इसको रोज करना होगा। तो चलिए हम लोग इस योगा को स्टार्ट करते हैं और अपने शरीर के जितने भी मोटापा है, जहाँ भी चर्बी जमा है, उन सब योगा को है उसमें खत्म हम करना। करेंगे तड़ासन। तो उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से सीधा खड़ा है और होना है, दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ना है और इस तरह से अपने शरीर को ऊपर की ओर टालना है और इस तरह से आपको करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से करने से आपका बॉडी भी स्ट्रेच हो जाएगा और ये एक शुरुआत में जब आप तड़ासन करते हो तो ये वार्म अप भी हो हो जाता जाता है। क्या है। करना है, अपने पैरों को इस तरह से इतना फैला लेना है, कम से कम इतना, दोनों हाथों को इस तरह से आपस में जोड़ना है ऊपर की ओर, इस तरह से जिस तरह हम लोगों ने तड़ासन किया है, पैर पीछे से इस तरह से उठाए थे, उठाना नहीं है आपको, इस तरह से आराम से इस तरह से पहले खड़ा हो जाना है, पैरों को फैला के दोनों हाथों को इस तरह ऊपर सीधा करके और सांसें भरना है और सांसें छोड़ते हुए साइड में इस तरह से आना रहा। हाथ को एकदम आगे इस तरह से नहीं करना, आपको कान के पीछे से लेके आना है, जैसे इस तरह से 1, फिर इस साइड से भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से पहले आपको सांसों को भरना है, सांसें छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है, फिर सांसें भरे जैसे, फिर सांसें छोड़ते हुए नीचे की ओर। तो इस तरह से आप शुरू में 10th बार करिए और जब आपको थोड़ा आदत हो जाए तो ऐसा आपको 50 से 100 बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन उतना आप नहीं कर पाइएगा तो 20 से 30 बार जरूर करिए। इससे आपका जो साइड का फैट है वो बहुत जल्दी खत्म होता है, आपका पेट का मोटापा भी इससे योगा बहुत है जल्दी। उसमें आपको कम क्या करना है, पैरों को इस तरह से फैला लेना है, इतना, कम से कम इतना फैला ले, थोड़ा दूर करके हाथों को बिल्कुल सीधा रखे इस तरह से, और जब हमारा हाथ इस तरह से नीचे से आता है तो हाथ के जो ये होते हैं ना हथेलियाँ, वो नीचे की ओर इस तरह से रहती हैं, लेकिन जब यहाँ तक आता है कंधे के ऊपर पास तो हाथ की हथेलियाँ इस तरह आसमान की ओर हो जाती हैं, ऊपर की ओर रहना चाहिए हथेलियों को आसमान की ओर इधर, फिर इस साइड से सांसें भरना है, सांसें छोड़ते हुए कान के ऊपर से हाथों को लेके आना है इस तरह से, जहाँ तक अपने पैरों को ले जा सके वहां तक हाथों को लेके जाना, जैसे 1, 2, सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको करना है, अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाए, जितना आप लेके जा सकते हैं नीचे पैरों पे, और अपने पैर के अगर तलवों को टच कर सकते हैं तो इस तरह से छुएं, और अगर नहीं छू सकते हैं शुरू में तो आपसे इतना नहीं होगा, तो आप बस इतना ही कर ले अपने घुटनों की, इतना ही आज के, और शुरू में धीरे करें फिर थोड़ा स्पीड करें, तो जितना आपसे झुक सकते हैं नेक्स्ट उतना योगा रहे। झुकना। उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से खड़ा हो जाना है, हाथों को इस तरह ऊपर की ओर उठाना है और इस तरह थोड़ा सा पीछे की ओर झुकना है, इस तरह से सांसें को भरना है, सांसें छोड़ते हुए नीचे की ओर आके अपने पैर के तलवों को टच करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको करना है, और जब आप इसे 10th बार कर लें तो आपको क्या करना है, कमर पे इस तरह से हाथ को रखना है और उसके बाद इस तरह से पीछे की ओर जितना हो सके आपको झुकना है सांसें भरते हुए, उसके बाद इस तरह सीधा आना है, उसके बाद फिर से आपको नीचे झुकना है और अपने पैर के तलों को टच करना, अगर आप इतना कर सकते हो तो इतना, अगर आप अपने हाथों को कोशिश करें इस तरह से फर्श पे रखने का
अगर नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ इतना जितना आपसे हो सके उतना आपको टच करके इस तरह से झुकना है, और कम से कम इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड के लिए रुकना है। अगर शुरू में आप 30 सेकंड नहीं रुक सकते हैं तो आपको यहाँ पे 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी देर रुक सकते हैं उतने देर आपको यहाँ पे रुकना है। ये आपके पेट के लिए भी अच्छा है, आपके कमर का मोटापा, पेट का मोटापा, ऊपर से पेट की जितनी भी दिक्कत हो उन सब के लिए बहुत ही अच्छा योग है। तो इस तरह सांसों को छोड़ते हुए सिर को नीचे करते हुए थोड़े देर के लिए इस तरह से रहे, उसके बाद आराम से नेक्स्ट योग है। उसमें आपको क्या करना है, पैरों को इस तरह से फैला लेना है, इस तरह से जितना आप आराम से खड़े हो सके उतना आपको फैलाना है। इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह सीधा, फिर एक हाथ एक पैर को टच करके एक ऊपर की ओर, जैसे वन, फिर सांसें लिए, सांसें भरते हुए सांसें छोड़ते हुए नीचे की ओर आपको झुकना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको करना है, शुरू में आप 10th बार करिए। उसके बाद होगा उसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह फैला लेना है, दोनों हाथों को इस तरह सीधा करके एक पैर को इस तरह से टच करना है, जैसे इस तरह से पीछे की ओर देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको कम से कम 50 बार तो आप कर ही सकते हैं जल्दी जल्दी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10-10 करके आप रुक जाए, 3 सेट बना ले 10-10 का, या फिर 10-10 करके आप रुके फिर से करें। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी कम से कम 50 बार जरूर करें। से योगा है, उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से बैठना है ब्रजासन में, दोनों हाथों को इस तरह ऊपर की ओर लेना है, सांसें भरना, सांसें छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर, शशांक आसन में आना है इस तरह से, इस तरह से बिल्कुल हाथों को नीचे करके आराम से रिलैक्स हो जाना है। इस तरह से आपको रुकना है, उसके बाद दोनों हाथों को इसी जगह पर रहेंगे, पैर आपका पीछे, और यहाँ से आपको इस तरह से भुजंगासन में आ जाना है। इस तरह से अपने सिर को आपको ऊपर की ओर रखना आसमान की ओर, और ऐसा आपको 20-30 सेकंड यहाँ पे कम से कम रुकना है। इससे आपका बॉडी भी स्ट्रेच होगा, आपके पेट पे एक अच्छा सा जोर पड़ता है। तो इस तरह से आप 10th बार करेंगे, जैसे इस तरह से है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको करना है, हमारा पैर उसी जगह था, हाथ उसी जगह था, बस आपको एक ही जगह रहकर इस तरह से आराम होगा। उसमें आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आ जाना है, बिल्कुल ऊपर सांसें भरते हुए ऊपर इस तरह आसमान की ओर देखना, अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना, पेट अंदर की ओर, अपने कमर को नीचे की ओर करना है, फिर सांसें छोड़ते हुए बिल्कुल अपने पेट को अंदर की ओर खींचना है, सिर नीचे की ओर, कोशिश करें कि अपने ठुड्डी को अपने गर्दन से सटा सकें। तो इस तरह से उसके बाद फिर से ऊपर की ओर सिर को करना है, जैसे 1, 2, 3, सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह आप योगा, उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से सीधा लेट जाना है, पहले एक एक पैर को इस तरह ऊपर की ओर उठाना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आपको क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो इस तरह से करना है। और पैर को जब इस तरह करेंगे तो पूरा जमीन से टच नहीं करेंगे, इतना से ही आपको ऊपर नीचे करना है। तो इससे आपके पेट पे बहुत ही अच्छा असर होता है, फिर आराम से आपको रिलैक्स हो जाए। दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, जो कि है तो छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा असरदार है। जब आप करोगे तो खुद इसका असर अपने शरीर पे देखोगे। तो अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।